हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो देखिए, अपन ने पिछली क्लास में आवेशी चालक की सतह पर बल पढ़ लिया था और यहाँ पर पढ़ेंगे कि विद्युत आवेशी चालक की सतह पर बल मतलब उसके विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा पढ़ेंगे। यहाँ पर अगला टॉपिक है अपन विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है। ये अगला टॉपिक है अपने पास विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा। ठीक है, यह अगला टॉपिक है जो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, उसके एकांक क्षेत्र में मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र में उसके एकांक आयतन में वो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी है यहाँ पर। तो देखो, माना कि आप एक चालक है ये वाला, ठीक है, और आपने पढ़ाता है कि इस पर जब धनावेश होता है, ये वाला धनावेश होता है, ठीक है, ये धनावेश होता है, तो ये धनावेश के कारण क्या लगता है इसकी सतह पर, या कोई ऋणावेश होता है तो इस आवेश के कारण क्या लगता है इस पर, इसकी सतह पर क्या लगता है, बल लगता है, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। और उस बल का मान कितना आया था आपके पास, एक बराबर सिग्मा अपॉन कितना आया था, वो आया था जो दाब पड़ा था, दाब कितना आया था आपके पास, कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आ गया था, ये दाब आ गया था। तो यहाँ पर देखो, जब इसको आवेशित करेंगे तो यहाँ पर इसके सतह पर क्या लगता है, बल का मान बढ़ता है, इसका मान बढ़ता है, बल का मान बढ़ता है या दाब का मान बढ़ता है, इसके कारण ये फैलने का प्रयास करेगी। और ये बल किधर लगेगा, इसके भार की ओर लगेगा, किधर लगेगा, भार की ओर बल लगेगा, कब लगेगा, जब इस पर या तो आवेश की मात्रा बढ़ाएंगे, इसका मान बढ़ाएंगे, आवेश का मान बढ़ाएंगे, या इसका विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने पर इसकी सतह पर लगने वाला जो बल है वो किधर लगता है, बाहर की ओर लगता है। तो माना कि इसकी सतह पर, माना इसकी सतह पर, इसकी सतह पर, इसकी सतह पर लगने वाला, लगने वाला दाब है आपके पास, वाला दाब है कितना होता है आपके पास, दाब है कितना, कितना होता है दाब, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सिग्मा है वो क्या है, इस पर आवेश घनत्व है, सिग्मा है वो, सिग्मा क्या है, यहाँ पर आवेश घनत्व होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है, ये क्या है आपके पास, आवेश घनत्व होता है, इसकी सतह पर आवेश घनत्व होता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी सतह पर बल कितना हो जाएगा, तो सतह पर बल कितना हो जाएगा, सतह पर बल कितना होगा इसके पर, तो आप जानते हो ए बराबर कितना होता है, पी ए, ए बराबर कितना होता है, पी ए होता है, आप जानते हो, ठीक है, तो आप जानते हो पी ए होता है। तो यहाँ पर देखो ए बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, पी का मान कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, त्रिज्या कितनी है इसकी, स्मॉल आर, तो इसका ए बराबर कितना होगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है आप जानते हो, ए बराबर कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इस बल के द्वारा इसकी त्रिज्या में अगर वृद्धि होती है कितनी, डेल्टा आर की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि बाहर की ओर बल लग रहा है, तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि कितनी हो जाती है, डेल्टा आर की वृद्धि हो जाती है। अतः इस बल के द्वारा डेल्टा आर दूरी में, डेल्टा आर त्रिज्या में वृद्धि होने पर आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी इसके, नहीं वो डेल्टा आर त्रिज्या, एक मिनट, अब इसको देखो, इस बल के द्वारा, किसके द्वारा, इस बल के द्वारा, ये बल बाहर क्यों लग रहा है, ये बल क्या लगता है, बाहर क्यों लगता है, तो इस बल के द्वारा इसकी डेल्टा आर दूरी त्रिज्या वृद्धि करने में किया गया कार्य कितना होगा, आपको बता देता हूँ। अतः एक बल द्वारा डेल्टा आर दूरी या डेल्टा आर त्रिज्या में वृद्धि करने में किया गया कार्य निकालेंगे, ठीक है, किया गया कार्य। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, डेल डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा आपके पास, एफ, और क्या जाएगा, डेल आर, तो आपको एफ का मान पता है आपके पास, तो डेल डब्ल्यू बराबर आपके पास क्या जाएगा, एफ, क्योंकि यहाँ पर अल्पांश कार्य के लिए है, क्योंकि अल्पांश ही वृद्धि कर रहे हैं अपन, डेल्टा आर ही क्या कर रहे हैं अपन, वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर एफ का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट और आप जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा डेल आर। तो पता है आयतन में वृद्धि कितनी हो गई, आयतन में वृद्धि कितनी हो जाएगी, डेल भी बराबर क्या हो जाएगा क्षेत्रफल इनटू डेल आर। यहाँ पर डेल भी बराबर क्या जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल आर। तो यहाँ पर देखो डेल वी का मान क्या है 4 पाई स्क्वायर डेल आर यहाँ पर रही अपने पास, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखो डेल वी बराबर क्या जाएगा आपके पास, अतः यहाँ पर समीकरण दे दो समीकरण नंबर एक और समीकरण नंबर दो, अतः समीकरण नंबर एक में मान रखने पर समीकरण नंबर एक में दो से मान रखने पर ठीक है। तो दो से मान रखेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा डेल्टा टू बराबर क्या जाएगा आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या जाएगा डेल बी हो जाएगा, ठीक है क्या जाएगा डेल बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एकांक आयतन में ऊर्जा होगी, एकांक आयतन में ऊर्जा या कार्य क्या होगा आपके पास यू बराबर क्या जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल बी, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास यू बराबर आपके पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और डेल बी अपॉन क्या जाएगा डेल बी कट जाएगा। तो ये आपके पास ऊर्जा कितनी आ जाएगी एकांक आयतन में, एकांक आयतन में ऊर्जा कितनी आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी, जो किसके बराबर है दाब के बराबर हो जाएगी। तो अपने पिछली क्लास में जो दाब निकला था उसके बराबर हो जाएगी। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अगर मान लो सिग्मा का मान रखते हो तो देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आता है, क्योंकि ये तो आ ही गया, लेकिन अगर मान लो सिग्मा का मान रखते हो तो सिग्मा बराबर क्या होता है आपके पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है या आपके पास देखो और सिग्मा बराबर क्या होता है ये मान रख के देखो बट ठीक है। यहाँ पर देखो यू बराबर आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपके पास ये है, अगर आपके पास घनत्व हो तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, अगर घनत्व नहीं देखा तो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है तो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगी क्या विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। इसके लिए आप क्या करोगे सिग्मा का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा सिग्मा बराबर आप जानते हो क्यू अपॉन क्या होता है ए, और सिग्मा बराबर आपके पास क्यू बराबर क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर आप जानते हो। तो यहाँ पर मान रख दो इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा का मान रखो, इसका मान रखो सिग्मा का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर करो, तो यहाँ पर किसका क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या कर दोगे टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू बराबर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा आपके पास इसको हाँ इसको एक को बार और गुणा करो तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1.2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको एक बार एप्सिलॉन नॉट से और गुणा कर दो, ठीक है ये वाला हो गया, ठीक है क्या हो जाएगा इस तरह से गुणा हो जाएगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा अब आपके अंदर देखो यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पर आ जाएगा और अंदर और यहाँ पर क्या जाएगा इसको देखो बाहर इसको लेने दो ऐसे करो क्यू स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये एप्सिलॉन ऑप्शन को अंदर ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन ऑप्शन को अंदर ले लो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो तो ये एप्सिलॉन नॉट तो गया है और बाहर क्या बचेगा आपके पास 1/2 और ये एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट था अभी दोनों के अंदर गए ना तो ये स्क्वायर था इसलिए दोनों आ गए, यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ले लिया इसको यहाँ हो जाएगा। तो आपके पास जानते हो तो यहाँ पर क्या जाएगा यू बराबर 1 क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या के होता है तो यहाँ पर क्या जाएगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर यू बराबर आपके पास क्या जाएगा अब आप जानते हो के क्यू का मान कितना है ई, यहाँ पर क्या जाएगा 1/2 बराबर ई एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है हाँ स्क्वायर
यहाँ पे क्या जाएगा ई स्क्वायर, ये भी आपके पास फॉर्मूला ज्ञात हो जाएगा, जब विद्युत क्षेत्र का मान देगा तो इस तरह से ज्ञात हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नहीं कर सकते आप यहाँ तक कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं है ये वाला। तो अगर मान लो ये, लेकिन इसके लिए है कि अगर मान लो ये मान दे रखा ठीक है, नहीं तो अगर मान लो विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो उस विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा तो कभी इसी फॉर्मूला से सोल्व कर पाओगे। तो इस तरह से आपके पास विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।